कमेटी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल की स्टाफ कॉलोनी के मैदान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील शर्मा की अध्यक्षता में मनोरंजन व शारीरिक दृष्टि से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्टाफ कॉलोनी के अधिकारियों उनके परिवारजनों ने बास्केटबॉल व गोला फेंक जैसे खेलों में भाग लिया। आईटीएम स्टाफ कॉलोनी के लाइजनिंग मैनेजर सर्वेश्वर माहेश्वरी से मिली जानकारी के अनुसार गोला फेंक में मीनाक्षी दुबे फर्स्ट, सुमन यादव सेकंड, शर्मिला यादव थर्ड व बास्केटबॉल का मैच टाई रहा, जो 5 मार्च को स्टाफ कॉलोनी के अधिकारियों परिवारजनों के बीच खेला जाएगा। इस दौरान विपिन चौधरी, एके कैंडेला, रोहिला विवेक राजावत, माला शर्मा, रजनी चौधरी व समस्त स्टाफ मौजूद रहा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। मिश्रोली में पेट्रोल पंप के सामने स्थित ढाबे पर युवक ने गमछे से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मिश्रोली थाना एएसआई मोहम्मद सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप कर्मियों से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के सामने स्थित RJ17 ढाबा पर जब दोपहर पहुंचे तो युवक ने ढाबे के भीतर गेट लगाकर गमछे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसकी सूचना युवक के परिजनों व पुलिस को दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को फांसी के फंदे से उतार कर भवानी मंडी मोर्चरी में लाया गया, शव का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं युवक के जीजा कैलाश तेली ने बताया कि युवक गोविंद तेली पुत्र भगवान तेली, उम्र 23 वर्ष, निवासी मिश्रोली, ढाबे पर पिछले एक वर्ष से राधेश्याम मेहर के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहा था। मृतक का पार्टनर पिछले 2-3 दिनों से शादी में व्यस्त होने के कारण युवक ढाबे पर अकेला ही था। युवक अपनी माता के साथ रहता था, जिसका एक दिन पूर्व आंखों का इलाज कर लौटा था। युवक शराब का आदि बताया जा रहा है। वहीं अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता पुलिस नहीं लगा पाई। पुलिस ने मर्ग में मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक किशोर सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं मौके पर युवक के पास से पर्स, बीड़ी का पैकेट मिला है। युवक के पार्टनर राधेश्याम मेहर ने बताया कि वह स्वयं 2-3 दिनों से शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। मिश्रोली से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भवानी मंडी के पीपला डैम से इन दिनों डैम में भरे पानी का अवैध दोहन हो रहा है, जहां नून हॉस्पिटल के पास कई सारी पानी की मोटरें व पाइपलाइन लगाकर आसपास के किसान बेखौफ होकर जल दोहन करने में लगे हैं, मानो उन्हें किसी का डर ही नहीं। जहां करीब एक दर्जन से अधिक पानी की मोटरें दिन रात पानी दोहन कर रही। आपको बता दें कि भवानी मंडी व आसपास के कई गांवों को इस पीपला लघु सिंचाई परियोजना से पानी दिया जाता है, जिसकी भराव क्षमता 36 फीट है। वहीं किसानों द्वारा अवैध पानी का दोहन करने के चलते डैम का लेवल 24 फीट तक पहुँच गया। वहीं गर्मी ने अभी से ही अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पानी का लेवल और नीचे जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल भवानी मंडी को इसी डैम से पानी सप्लाई होता है। अगर इसी प्रकार किसान पानी का दोहन करते रहे तो गर्मी के दिनों में अप्रैल, मई, जून में पानी की किल्लत महसूस होगी। आपको बता दें कि जहां से किसान अवैध पानी की मोटरें लगाकर पानी चोरी कर रहे हैं, वहीं महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जल संसाधन विभाग का ऑफिस से उसके बाद भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की सुस्त कार्यप्रणाली के चलते बेखौफ पानी की चोरी की जा रही है। वहीं विभागीय एक्शन अधिकारी बाबूलाल महावर ने कहा कि पानी चोरी करने की जानकारी नहीं थी, आज ही उच्च अधिकारी को बतलाकर पानी चोरी कर रहे पॉइंट को दिखवाता हूं। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भैसोदा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेम स्किल डेवलपमेंट एंड आईटी सॉल्यूशन सेंटर द्वारा 90 छात्र छात्राओं को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण पर प्रदान कर पात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र व सम्मान चिन्ह वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लक्ष्मण कुलमी, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय भैसोदा, विकास दुबे, ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन गोपाल पाटीदार, विनोद गुर्जर, ईश्वर पाटीदार, दीपक गहलोत संचालक उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन दीपक माली ने किया। आभार संस्था के संचालक डॉक्टर जयंत जोशी ने माना। इस अवसर पर संस्था के सदस्य रमेश नाकुम व सिमरन मैम, दीपिका हाड़ा आदि उपस्थित थे। भैसोदा से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। गरोड़ में युवा मोर्चा के तत्वावधान में शहीद चौक पर पीएम के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 98 संस्करण में मन की बात को लेकर गरोड़ के शहीद चौक पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश गुर्जर के तत्वाधान में मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गरोड़ के भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गरोड़ से एसके मीडिया के लिए गोविंद सिंह परिहार। आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस सेवादल की बैठक आयोजित हुई। ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष आनंद काला ने बताया कि मीटिंग के मुख्य अतिथि झालावाड़ जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष डॉक्टर नंद सिंह राठौर रहे। वह अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोहन सिंह परमार ने की।
विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सनलतार संजय पाटीदार, प्रदेश सचिव सेवादल अब्दुल नईम, लक्की पठान यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष राधेश्याम काला, पूर्व प्रदेश संगठन सेवादल चंद्र सिंह राणा, चेतराम गहलोत रहे। मीटिंग की शुरुआत पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण के साथ की गई। मीटिंग में ब्लॉक कांग्रेस सेवादल के नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी का स्वागत कर नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही जिला अध्यक्ष नंद सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह अनुशासित कैडर बेस संगठन है। शीघ्र ही डग विधानसभा का सेवादल प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर नवनियुक्त यंग ब्रिगेड सेवादल के प्रदेश सचिव बनने पर प्रबल जैन का सभी नेताओं द्वारा स्वागत सत्कार किया। मीटिंग में एडवोकेट श्याम सिंह, वकील लोकेश गुप्ता, पार्षद बिनिया तोलिया, हकीम खान, गोकुल सिंह पंवार, डॉक्टर अफाज अहमद कुरैशी, गोपाल जायसवाल, विजय नाहर, पीयूष शर्मा, अमीन मंसूरी, रहमत खान, प्रदीप शर्मा, विनय प्रकाश मेहर, डॉक्टर विकास पांडे, विवेकी बैरवा, रवि भराड़िया, मांगू भाई मंसूरी, गोपाल सिंह तंवर, कैलाश भारती, महावीर जैन, रामदयाल मीणा, अजहर खान, हरीश जैन आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।